तो गैस आज हम बात करेंगे मैथ के बारे में। गैस एमबीआई के मैथ के बारे में, बिहार व्हीकल इंस्पेक्टर हैं उसमें मैथ भी आती है गैस। जैसा कि आप लोग जानते होंगे सिलेबस में दिया गया है, पहला ही पेपर है और पेपर 3 है जिसमें पहला ही पेपर है जनरल स्टडी, मतलब उसमें मैथ भी है। और गैस मैं जो मैथ बात करने वाला हूँ वो बीपीएससी लेवल का बात करने वाला हूँ। और मैं बता दूँ कि मैथ कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं आती है, बिल्कुल मॉडरेट लेवल की आती है। और ख़ास करके अगर आप लोग रेलवे की तैयारी करते होंगे तो आप लोग सीधा बोलेंगे ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आता है, ठीक है। जबकि ये बीपीएससी का जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होता है मैं उसका बताऊँगा, ठीक है। खैर आप लोग तो डिप्लोमा लेवल के हैं, ठीक है, और मतलब वहाँ तो और भी क्वेश्चन बेसिक आता है क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं ये एग्ज़ाम डिप्लोमा लेवल का है। तो क्वेश्चन किस लेवल का होता है? डिप्लोमा लेवल का ही होता है। और यहाँ साफ साफ नोटिफिकेशन में कर दिया गया है कि 10th लेवल का ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो हम आप लोग को प्रीवियस ईयर दिखाएंगे। इससे पहले बता दें कि हम संडे को लाइव आने वाले हैं गैस। इस टॉपिक पे मैं बात करूँगा, संडे को लाइव आऊँगा गैस। एक्चुअली मैं संडे फ्री हूँ तो कोशिश करूँगा संडे को ही आऊँ लाइव। और एक्चुअली मैं रात में फ्री होता हूँ इसीलिए वीडियो मैं रात में ही अपलोड करता हूँ। तो जी मैं आप लोग को बताऊँगा कि मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें मतलब काफ़ी सारे एक्ट हैं, काफ़ी सारे नियम हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं 19 एक्ट का अलग है, 1988 का अलग है, 1989 का अलग है, 1992 का अलग है। तो मैं कोशिश करूँगा जो अपने अकॉर्डिंग में कुछ छाँटा हुआ हूँ कि ये बहुत ही मतलब मेरे ख्याल से आप लोग इसे तो पढ़ ही लेना जितना मैं बताऊँगा। बाकी बात अगर आप लोग और ज़्यादा पढ़ लिए तो वो मेरे ख्याल से बहुत बेटर है और वो आपके लिए भी काफ़ी बेटर है और सफिशेंट है, ठीक है। तो जो मैं टॉपिक बताऊँगा, अगर इसके अलावा और भी आप लोग का भी टॉपिक है, ठीक है, सो जो भी आपका टॉपिक है या जो भी प्रॉब्लम है सो आप लोग मुझे शेयर कर सकते हैं। तो मैं लाइव आऊँगा 1 बजे, कितना आऊँगा? संडे को आऊँगा 1 बजे। तो आप लोग भूलिएगा नहीं गाइस, ठीक है। और हाल ही का मैं ग्रुप में तो अवेयर कर ही दूंगा टेलीग्राम पे, तो सो आप लोग अगर न्यू बच्चा है तो टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइएगा। सो देखते हैं आगे की ओर गाइस। बात करें मैथ का सिलेबस का तो ब्रीफली सिलेबस नहीं दिया गया है बीपीएससी में। अगर आप लोग कहीं भी देख सकते हैं कोई भी सर बता रहे हैं या कहीं यूट्यूब पे या कोई कोचिंग सेंटर वाले, तो ब्रीफली नहीं दिया है ऑफिशियली, तो वो ऑफिशियली आपको नहीं बताएगा गैस। भले वो आपको बताएगा भी तो अपने मन से बताएगा रियली, और फैक्ट बात कुछ यही है, वो कहाँ अपने घर से थोड़ी लाएगा। तो जी मैं भी जो बताऊंगा आप लोगों को वो बीपीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न पे ही बताऊंगा। और मैं बता दूं कि इस एग्ज़ाम के लिए अगर आप लोग रेलवे के लिए तैयारी करते थे, मैं भी मुझे मालूम है मैक्सिमम बच्चा रेलवे के लिए तैयारी कर ही रहे होंगे इसलिए मैं रेलवे ले रहा हूँ, तो वहाँ आप लोग त्रिकोणमिति का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नहीं करेंगे। जो बेसिक है जो भी है, बाकी जो उसमें भी 2 पार्ट में है, मैथ भी 2 पार्ट में है, तो उसमें क्या होता है कि जो भी है परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, ये सब ये सारा कुछ पढ़ना है, ठीक है। और एरिया वाला क्षेत्र भी थोड़ा बहुत पढ़ना है, रेक्टेंगल का, ट्रायंगल का, ये सब कुछ पढ़ लेना है। मैं आप लोग को अब ले आ रहा हूँ प्रीवियस ईयर पे, सो आप लोग देख सकते हैं और क्वेश्चन का अनुमान लगा सकते हैं। बाकी बाद में जब क्वेश्चन करवाऊँगा कभी होगा तो, ठीक है, वो मैं संडे को डिस्कशन करके आपको बताऊंगा कैसा क्या सिचुएशन है, कैसा क्या बच्चा है, वो मैं देखूंगा। और रणधीर सर का कुछ बात नहीं है क्योंकि मुझे उससे भी कोई बात हो नहीं रही उससे, ठीक है। तो रियली है अगर कुछ ऐसा बात हो जाएगा तो मैं आप लोग को बता ही दूंगा। हाल ही ग्रुप में जो मैसेज करते हैं पीडीएफ वगैरह वो रणधीर सर ही मैसेज करते हैं, ठीक है। सो ये आपका कुछ क्वेश्चन है जो मैंने निकाला हूँ अभी जस्ट बुक से ही गाइस। सो ये देखिए ये आपका बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका ये भी है, जो भी मैं दिखा रहा हूँ वो बीपीएससी का है गाइस, ठीक है। और ये बिल्कुल बेसिक है, अगर आप लोग न्यू बच्चे हैं सो आप लोग देख के डर नहीं जाइएगा। अगर क्वेश्चन करने के बाद आप लोग को लगेगा इससे जी कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं बता दूँ बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारा आपका बीपीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न पे मैं कुछ क्वेश्चन हाईलाइट भी किया हूँ जो मैं लाऊंगा आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि जीके वगैरह भी 100 नंबर का है और मैथ भी, तो मैथ गैस 10 नंबर का ही आता है बीपीएससी में, ज़्यादा क्वेश्चन हाई नहीं आता है, 10 नंबर का ही आता है, ठीक है। और किस्मत के ऊपर है गैस, देखो मैं भी अगर बोल दूँ कि 50 नंबर का मैथ आ जाए या क्वेश्चन हाई लेवल का आ जाए ऐसा कुछ नहीं है, जो रियलिटी बात है मैं वो बताने की कोशिश करता हूँ कि 10 नंबर का अभी तक आता है और आने वाला एग्ज़ाम में कुछ भी हो सकता है वो मैं बता नहीं सकता हूँ। अभी तक तो कुछ ऐसे ही बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, ठीक है, तो ये मैं बता नहीं सकता हूँ, नहीं इसमें नोटिफिकेशन में दिया गया है। बाकी जो अपने मन से सर बता दे वो अलग बात है, बाकी ऐसा ही बात है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन के लेवल भी बता सकते हैं कैसा है। मे भी मेरे अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन हार्ड तो नहीं है, बिल्कुल आपका मॉडरेट लेवल का ही है, जो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए इसका मत बोलिए, मैं खुद पीडीएफ वगैरह जो अच्छा होगा मैं खुद आप लोग को प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और ये अभी मैं अभी कोई भी पीडीएफ मैं आप लोग से शेयर अभी नहीं करता हूँ, और
ये आपका क्वेश्चन है मैथ का जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, करने के बाद आप लोग को लगेगा इजी है, और न्यू स्टूडेंट है तो थोड़ा सा लगेगा भारी है, बट क्वेश्चन क्या लेवल इजी है गाइस, ठीक है। ये आपका कुछ क्वेश्चन देखिए है बीपीएससी, मैं आप लोग को बताऊंगा जो रियलिटी और फैक्ट बात ही बताऊंगा गाइस, ठीक है। सो क्वेश्चन कुछ इतना ही था, और मैं कोशिश करूंगा आप लोग के साथ जो 1 बजे लाइव आऊंगा तो वहाँ पर कुछ बताऊंगा आप लोग का सिचुएशन, देखूंगा क्या कैसे नहीं है, क्योंकि फॉर्म तो बहुत ऐसे बच्चा भरे हैं। मैं उस दिन डिस्कशन भी करूंगा कितना बच्चा फॉर्म भर चुका है, सो भी मैं डिस्कशन कर लूंगा उस दिन ही कि कितना बच्चा तक फॉर्म भराया है और कितना बच्चा फॉर्म भरने वाला है, ठीक है। सो गैस आज के लिए बस यही था, और मुझे विश्वास है कि आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे अच्छे तरीक़ा से। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, और बाय बाय, गुड नाइट।